नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के सोशल स्किल्स के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अहमद सिद्दीकी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग पर। अगर आप कहीं पर रूलर, लीडर या मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी और आपके मुताबिक चलती रहे, तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करना ज़रूरी है। टीम बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन गोल्स। आपकी जितनी भी टीम है उसका गोल कॉमन होना चाहिए। जैसे एक मैनेजर है और उस मैनेजर के अंडर में कोई फाइनेंस के लोग हैं, एचआर के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, लेकिन सबका गोल सेम होना चाहिए एक प्रोडक्ट को लेके। अगर एक प्रोडक्ट है और उसका गोल है कि मार्केटिंग वाले अपना काम करें, एचआर डिपार्टमेंट अपना काम करे और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करे, लेकिन सबका गोल अगर कॉमन होगा तो प्रोडक्ट कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर सब कंपटीशन में लग जाएंगे, एक फाइनेंस वाला एचआर से कॉम्पीट करते हुए कहेगा कि मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ और मैं इसके अंदर कॉम्पीट करते हुए अपने गोल्स को पूरा करूँगा, तो शायद आपकी टीम ना बन पाए। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक कंपनी का CEO एक ट्रेनर के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था कि मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी सैलरीज़ दे रहा हूँ, उनको बेनिफिट्स दे रहा हूँ, अलाउंसेस दे रहा हूँ और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंपनी के प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वो ट्रेनर पूछता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो वो दीवार पर लगे एक पर्दे को हटाता है और उस पर्दे के पीछे एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर पर बहुत सारे घोड़े भाग रहे होते हैं और आगे एक समंदर होता है। हर एक घोड़े पे लिखा होता है डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर मार्केटिंग, फलां 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 फलां। सीईओ बताता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा तो मैं उसको मियामी बीच में एक हफ्ते के ट्रिप पे भेजूंगा विद फैमिली। तो इसीलिए मैंने हर डायरेक्टर को ऐसा बोला हुआ है, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उसको ये ट्रिप गिफ्ट करूँगा। उतने में ट्रेनर बताता है कि शायद आप यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने सबको कंपटीशन में लगाया हुआ है और सब इस लालच की वजह से कंपटीशन कर रहे हैं, ये नहीं कि एक टीम बनाते हुए आगे चलें। CEO हैरतजदा होते हुए पूछता है कि ऐसा कैसे, मैं तो सबको बल्कि एक गिफ्ट दे रहा हूँ। ट्रेनर उतने में बताता है कि आप इस तरह से बोलने के बजाय ऐसे बोल सकते हैं कि जो जो अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उनको ट्रिप पर भेजूँगा विद फैमिली। तो इस तरह से सब मिल के काम करें और अच्छी तरह से परफॉर्म करें ताकि कंपनी की भी प्रोग्रेस हो सके और इसमें सब की मार्किंग काउंट होगी। इस तरह से सब के सब आपस में एक साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ना कि कॉम्पीट करते हुए। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक राउंड के अंदर बहुत सारे लोगों को खड़ा किया गया और उनके हाथों में बैलून्स थमा दिए गए और उनको कहा कि अपनी जगह से हिले बगैर अपने बैलून को ऊपर उछालें और जब वो नीचे आए उनको ज़ोर से दोबारा ऊपर उछालें, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना और अगर वो बैलून गिरता है तो गिरने दीजिएगा और अगर किसी और का बैलून आपकी तरफ आए तो आप उसको भी मत टच करिएगा, सिर्फ अपने ही बैलून को पॉप करिएगा। तो वो एक्टिविटी करवाई गई और काफ़ी लोगों के बैलून्स नीचे गिर गए, उनमें से कुछ ही थे जिनके बैलून्स ऊपर उछल रहे थे। फिर कहा गया कि चलें अपने राइट और लेफ़्ट वालों के ही, जो आपके राइट हैंड पे खड़े हैं और जो आपके लेफ़्ट हैंड पे खड़े हैं, सिर्फ उनके ही बैलून्स आप पॉप कर सकते हैं अपने साथ साथ। अगर आपके बिल्कुल सामने वाले या आपके राइट या लेफ़्ट वाले के बराबर वालों के बैलून्स आपकी तरफ आएँ तो आप उनको पॉप बिल्कुल भी मत करिएगा, उनको बिल्कुल भी उछालिएगा मत, सिर्फ अपने या अपने राइट या लेफ़्ट वाले के बैलून्स पर ही फोकस करिएगा। तो जब यह एक्टिविटी करवाई गई तो उसमें बस कुछ ही लोग थे जिनके बैलून्स नीचे गिरे होंगे, बाकी सबके बैलून्स ऊपर ही थे क्योंकि उनके पास एक सपोर्ट था। आखिर में एक और एक्टिविटी करवाई गई कि दोबारा बैलून्स ऊपर उछाले जाएंगे, लेकिन इसमें खड़े होने की पाबंदी नहीं, आप इधर उधर भी मूव हो सकते हैं और जिसका चाहे बैलून ऊपर उछाल सकते हैं। तो जब यह एक्टिविटी करवाई गई तो इसका रिजल्ट ये निकला कि किसी एक बंदे का भी बैलून नीचे नहीं गिरा था और सबके बैलून हवा में थे।
इसका मकसद सिर्फ यह है कि जब आप एक टीम बनकर काम कर रहे होते हैं तो आप नीचे नहीं गिरते, बल्कि सिर्फ आपकी प्रोग्रेस होती रहती है। एक अच्छी टीम डेवलप करने के लिए आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए, और अपने गोल्स का पता होने के साथ साथ आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी आपके गोल्स का पता होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि एक सॉकर गेम है, एक फुटबॉल कैप्टन अपना गोल उसको पता है, लेकिन अगर प्लेयर्स को अपना गोल नहीं पता तो वो टीम कैसे जीतेगी। हो सकता है कि जो प्लेयर्स हैं वो ऑपोजिट गोल में गोल मारने के बजाय अपने ही गोल में फुटबॉल को फेंक रहे हों और अपनी ही टीम को हरा रहे हों। अगर पूरी टीम को अपना गोल नहीं पता होगा तो वो जीत नहीं सकेंगे। तो इससे यह पता चलता है कि अगर आपको गोल पता है तो आपके सब ऑर्डिनेट्स को भी वो गोल पता होना ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए आप अकेले कामयाब कभी भी नहीं हो सकते जब तक कि आपकी टीम को आपके गोल्स का पता ना हो। तो अपना विजन क्लियर रखें, अपने गोल्स को क्लियर रखें, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने पार्टनर्स को बताएं ज़रूर, ताकि वो आपका उसमें भरपूर साथ निभाएं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी एक चीज़ रह जाती है, और वो है ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है, आप अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट हैं, तो वो आपके साथ खुद ब खुद जुड़ना शुरू कर देंगे, और उसके अलावा बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर होकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ काम करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। अगर आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं, तो हो सकता है कि आपका गोल क्लियर हो, आपका विजन क्लियर हो, लेकिन लोग आपकी तरफ से हटना शुरू कर दें। बहुत ही मशहूर एयरलाइन वर्जिन एयरलाइन के ओनर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेन करें कि कोई दूसरी कंपनी उनको डबल सैलरी पर अपॉइंट करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को इतना प्यार करें और इतना ज़्यादा उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप कर दें कि कोई दूसरी कंपनी वो ना कर सके और वो एम्प्लॉयज़ आपको कभी छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। तो इससे ये होता है कि आपने उनको वो सलाहियतें दे दी कि उनको अपनी वैल्यूज़ का पता चल जाए, लेकिन जब आप उनको वो प्यार देंगे तो उनको उस कंपनी का और आपकी वैल्यू का पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।